Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Pathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए SOF Olympiad से सिलेबस सैंपल पेपर क्लास सेकेंड के लिए इंग्लिश ओलम्पियाड के सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि इंग्लिश ओलम्पियाड में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या एग्जाम किस प्रकार की होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम में बच्चे किस प्रकार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने घंटे का एग्जाम रहता है और बच्चे कहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम की डेट क्या है, एग्जामिनेशन फीस क्या है, एग्जाम की सिलेबस क्या है और सैंपल पेपर क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आप ये भी जान पाएंगे, तो चलिए इससे पहले मैंने आपके लिए क्लास सेकेंड एंड क्लास थर्ड के मैथ साइंस एंड कंप्यूटर्स के ओलम्पियाड के SOF ओलम्पियाड के सैंपल पेपर्स एंड क्वेश्चन पैटर्न साथ ही ऑल डिटेल्स आपके साथ शेयर की है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास सेकेंड साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन के द्वारा ये एग्जाम करवाई जाती है। एलिजिबिलिटी में क्लास फर्स्ट से 12th तक के किसी भी बोर्ड के बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्जाम प्रोसेस स्कूल अथॉरिटी के द्वारा करवाई जाती है, अर्थात स्कूल के द्वारा ही एग्जाम करवाए जाते हैं। एग्जाम के डेट 26 सितंबर, 8 अक्टूबर और 9 नवंबर, ये तीन डेट इंग्लिश ओलम्पियाड के लिए दी गई है। इन तीनों डेट में से आपके स्कूल के द्वारा जो भी डेट चूज किया जाता है उस डेट में बच्चों को एग्जाम देनी होती है। एग्जाम मोड ऑफलाइन रहता है, अर्थात बच्चे स्कूल में रहकर स्कूल टाइम में इस एग्जाम को दे सकते हैं। इंडिविजुअल एग्जाम नहीं होता है, स्कूल के द्वारा ही एग्जाम करवाए जाते हैं और स्कूल में ही इसका फॉर्म भी भराए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 125 रुपीज़ होती है। लैंग्वेज इंग्लिश पेपर है तो ऑब्वियसली इंग्लिश ही रहता है और अदर पेपर के लैंग्वेज भी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम ही रहते हैं और ड्यूरेशन 1 आवर्स रहता है। आइए अब इसके हम क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस देखते हैं। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। चलिए इसके क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस देख लेते हैं क्लास सेकेंड के लिए। क्वेश्चन पैटर्न जो है एग्जाम का, ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है। इंग्लिश का वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, इससे 15 क्वेश्चंस रहते हैं एंड पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहते हैं। रीडिंग सेक्शन से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन से 5 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहते हैं। टोटल इस प्रकार 35 क्वेश्चंस रहते हैं एंड टाइमिंग 1 आवर्स का रहता है। आइए अब इसके हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस सेक्शन 1 में ग्रामर पोर्शन रहता है, कॉलोकेशन, स्पेलिंग, साइनोनियम, एंटोनियम, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पिक्चर्स, वर्ड रिलेटेड टू एनिमल्स, फ्रेज, आइडोंस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, वर्ड ऑर्डर, पंक्चुएशन, सिंपल टेंस, ये आपके ग्रामर के क्वेश्चंस रहते हैं। एंड नेक्स्ट सेक्शन 2 से आपका आ जाता है सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट टाइप्स लाइक स्टोरीज, शॉर्ट डायलॉग एक्सेट्रा, एक्वायर्ड बोर्ड अंडरस्टैंड ऑफ एंड लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टेक्स्ट लाइक मैसेज, इन्विटेशन एक्सेट्रा। एंड सेक्शन 3 में एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन बेस्ड वेरिएशन इन फंक्शन लाइक थैंकिंग, ग्रीटिंग, आस्किंग फॉर परमिशन, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ एक्सेट्रा। एंड सेक्शन 4 में हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं सिलेबस एज पर सेक्शन 1, 2 एंड 3। अब हम देखेंगे वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट, इसमें से अलग कौन सा है, ए लाइब्रेरी, बी शॉप, सी क्लासरूम, डी लैब। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शॉप। नंबर 2, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, ए वाई एल पी, बी पी एल ए वाई, सी एल ए पी वाई, डी पी ए वाई एल। करेक्ट आंसर हो जाता है प्ले, प्ले मीन्स खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के लिए है फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट वर्ड। थर्ड एंड फोर्थ में इसमें से चूज करके राइट वर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है।
वन सर्कस मीनिंग अर्थात सिंगुलर और प्लूरल आपको बताना है। ए सर्कस, बी सी एंड डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ई एच लगाकर इसको हम प्लूरल बनाते हैं सर्कस का, तो वन सर्कस मेनी सर्कसेस। फोर देयर इज ब्रेड डैश बटर ऑन द टेबल फॉर ब्रेकफास्ट, वहाँ टेबल पर बटर ब्रेड एंड बटर ब्रेकफास्ट के लिए रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ब्रेड एंड बटर। ए बट लेकिन नहीं, बी एंड करेक्ट आंसर हो गया एंड। देयर इज ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के साथ बटर रहता है तो ब्रेड एंड बटर हम यूज भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रीडिंग सेक्शन से है, इसमें एक इमेज दिया गया है जिस इमेज को देखना है और इमेज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर के जवाब देने हैं। डायरेक्शन 5 and 6 के लिए है, ये एक व्यक्ति है सेलर है जो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेल कर रहा है, ठीक है। ये एप्पल हो गया, ये कैरोट हो गया, ये पम्पकिन हो गई, ठीक है, ये टर्निप हो गई, ग्रेप्स, एप्पल, तो इस तरह ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दोनों यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अब क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं। देयर इज आर डैश इन दिस पिक्चर्स, ए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, बी ओनली फ्रूट, सी ओनली वेजिटेबल्स, डी ओनली मैन। इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दोनों दिख रहे हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वेजिटेबल सेलर इज होल्डिंग इन हिज हैंड, हैंड में उसने क्या होल्ड कर रखा है, तो चलिए इसको इमेज को फिर से देख लेते हैं। इसने हैंड में क्या होल्ड कर रखा है, एक हैंड में इसने एप्पल होल्ड कर रखा है और दूसरे हैंड में ये कैरेट होल्ड कर रखा है, तो चलिए इसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं। द वेजिटेबल सेलर होल्डिंग इन हैज टोमेटोस, रेडिस, कैरेट, ग्रेप्स, तो कैरेट आंसर हो जाता है यहाँ पर कैरोट। ये हो गया हमारा कैरोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 35 रहते हैं लेकिन सैंपल पेपर के रूप में यहाँ पर हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे। हर सेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि क्लास सेकेंड में इंग्लिश का किस तरह का पेपर आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 7 and 8 के लिए है। चूज द करेक्ट ऑप्शन 7, जेल डैश वेयर यू सुशांत, सुशांत तुम कहाँ थे, ठीक है, वेयर यू सुशांत, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट वर यू, नो वेयर वर यू सुशांत, करेक्ट आंसर वेयर मीन्स कहाँ, वेयर वर यू सुशांत तुम कहाँ थे। सुशांत आई वॉज इन पार्क हेल्पिंग अ लेडी, मैं पार्क में था एक लेडी की हेल्प कर रहा था, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डी डैश माला लेट्स फेड द बर्ड, ए यू बी कम, सी वाई, डी वाट, कम माला, माला इधर आओ, लेट्स फेड द बर्ड, चलो चिड़ियाओं को खाना दो, माला क्या बोलती है, यस श्योर, यहाँ पे क्या हो गया, कम माला, माला आओ, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अब लास्ट सेक्शन हमारा हो जाता है अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन में थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द साउंड मेड बाय द बैट कॉल्ड, बैट की किस प्रकार की साउंड बनती है, इसको क्या बोलते हैं, ए ब्रेक, बी गिव अ, सी स्क्रैच, डी म्याऊ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्क्रिच, बैट के साउंड को स्क्रिच कहते हैं। नंबर 10, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन
हमेशा ये ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप में दिखते हैं। ए डैश ऑफ सीप, यानी सीप के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ए ब्राइट, बी फ्लिक, सी स्वान, डी फ्लॉप। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फ्लिक, और फ्लिट ऑफ सीप। तो ये थे आपके सैंपल पेपर, आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।